गया। वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठंडा ठंडा बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए, शराब पिए, सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरब पति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है। ये बहुत ही दुखद है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश के युवाओं में, नौजवानों में बहुत ऊर्जा है और वो उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार के युवाओं के संबंध में बयान देना, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यूपी के युवाओं के बारे में जो वो कह रहे हैं, हमारा युवा शराबी नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश अगर उन्नति कर रहा है तो हम सातवां देश हैं। अगर देश पांचवीं इकोनॉमी हुआ है तो यूपी के बच्चों का योगदान है। अगर हम ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में आ रहे हैं तो उसमें यूपी का योगदान है। अगर हम तीसरी ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचेंगे अगली बार, तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं का राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। उनको शराबी कह के ये युवाओं का अपमान है। वो खुद देखें कि उनके परिवार में कुछ लोग नशा करते होंगे तो अलग बात है, लेकिन देश के युवा तो शराबी नहीं है। बनारस चले गए, वहां पर जो है बोल दिया कि ये उत्तर प्रदेश का युवा नशे में घूम रहा है, नशे में पड़ा है, नशे में डांस कर रहा है। बेइज्जती करने का काम किया उत्तर प्रदेश के युवाओं का, बल्कि पूरे देश के युवाओं की बेइज्जती करने का काम किया। तो उनके मुंह से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये नहीं पता है, लेकिन उनकी जो ये यात्राएं हैं, इन यात्राओं से लोग केवल मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं और जो लोग उनके साथ दौड़ते हैं वही केवल फोटो खिंचाने का काम किया करते हैं। कुछ लोगों को बुला लेते हैं वो कि आ जाओ फोटो राहुल गांधी जी के साथ खिंचा लो। तो कुछ लोग तो स्टैचू के साथ भी